हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और आज हम बात करने जा रहे हैं क्या आपको किसी भी ड्राइंग बनाने के लिए इन सभी टूल्स की इम्पोर्टेंट है या नहीं है। तो मैंने इस चीज़ को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है, उसको आप देखें। ये रही फर्स्ट, ये जो आपके पास सिंपली स्टार्टिंग करने के लिए है एज योर बिगनर। जब आप बिगनर हो तो आपको बस ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, पेंसिल और इरेजर शार्पनर की। और आपके पास जहाँ ये कुछ ग्रिड की पेंसिल हो तो अच्छी बात है। ये रही हमारे पास सेकंड, जहाँ आप थोड़ा अच्छा ड्राइंग बनाने लग गए हो, अच्छी बनाने लग गए हो, तो आप इन सभी का यूज़ कर सकते हो, जैसे ब्लेंडिंग स्टंप, चाको पेंसिल और ये आर्ट लाइन की पेंसिल्स हैं कुछ, इन्हें आप यूज़ कर सकते हो। अब मैं आपको बताने वाला हूँ थर्ड। ये रहे थर्ड में आप इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हो, आपको यूज़ करना चाहिए। जहाँ आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी हो गई है, आपको टोमो मोनो इरेजर ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत अच्छा लगता है, शेड करते समय आपको फील आता है अच्छा सा। और ये आप कुछ ब्रशेज यूज़ कर सकते हैं ब्लेंडिंग के लिए, ऑन द प्लेस ऑफ ब्लेंडिंग स्टम्प यू कैन यूज़ दिस। हाफ वाइट जेल पेन भी यूज़ कर सकते हो। और आप, मेरे पास चारकोल डस्ट भी पड़ा हुआ है यहाँ पर, और ये मैकेनिकल पेंसिल शॉर्पनर, और ये चार को पेंसिल्स का आप इस्तेमाल कर सकते हो। और आप देख सकते हैं इन सभी को मिला के इतनी सारी चीज़ें हो जाती है, जैसे कि जैसे आप सीखते जाओगे वैसे वैसे आपके पास सामान भी ज़्यादा होते जाएगा। आप ट्राई करते जाओगे, उनको रखते जाओगे, यूज़ करते जाओगे, तो इसलिए किसी भी आर्टिस्ट के पास बहुत सारा सामान हो जाता है इन सभी चीज़ों का। तो ऐसी बात नहीं है कि वो सारा यूज़ करते हैं, वो थोड़ा सा ही यूज़ करते हैं उनमें से कुछ, बट उनके पास ये सारे जमा हो जाते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।